हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट आइए, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 78 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? तो सबसे पहले जानते हैं कि दर्रा क्या होता है। दो पर्वतों के बीच की वह भूमि जिससे होकर पतले रास्ते निकाले जाते हैं उसको दर्रा कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर एक है काराकोरम, दो नंबर है बुर्जिल, तीसरा है रोहतांग और चौथा है जोजीला। जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत की सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा जो है काराकोरम है। हमारा उत्तर होगा काराकोरम दर्रा। यह दर्रा जो है 5400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। यह दर्रा 5400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। 5540 मीटर, 5540 मीटर। ये दर्रा जो है लद्दाख और लेह के बीच अवस्थित है। हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट जी, ली कार्बूजियर कौन था? एक खोजकर्ता, एक वास्तुकार, एक संगीतकार या एक चित्रकार? तो ली कार्बूजियर जो थे एक वास्तुकार थे। उन्होंने भारत में 1950 के दशक में 1950 से 56 के बीच चंडीगढ़ शहर को का वास्तुशिल्प बनाया था। हमारा उत्तर होगा वास्तुकार। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे लेकिन बाद में इन्होंने फ्रांस की नागरिकता ले ली। हमारा तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट, 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होगा? 60%, 70%, 75% या 80%? तो हम देखते हैं प्रतिशत को निकालने के लिए शुद्ध सोना जो है वह 24 कैरेट का होता है, क्योंकि सोने के का जो दिया गया है वह 18 कैरेट है। तो 18/24 × 100, 6×4 = 24, 6×3 = 18, 25×4 = 100, 25×3 = 75, यानी 75% जो है 18 कैरेट सोने में जो है शुद्ध सोना उपस्थित होता है। अब स्टूडेंट हमारा प्रश्न संख्या 4 है, ग्रीनविच वेधशाला किस देश में स्थित है? तो ग्रीनविच वेधशाला जो है क्या भारत में स्थित है या नीदरलैंड में या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में या यूनाइटेड किंगडम में? तो ग्रीनविच जो है यहाँ से विश्व के सारे देशों का जो मानक समय है वह निर्धारित होता है। ग्रीनविच से जब हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो स्टूडेंट समय में बढ़ोतरी होती है, और जब पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय में कमी आती है। तो हमारा उत्तर होगा यूनाइटेड किंगडम, यानी ग्रेट ब्रिटेन में ग्रीनविच जो है ये अवस्थित है। भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से तकरीबन 5.5 घंटा आगे है, यानी ज़्यादा है। जब दोपहर के ग्रीनविच में 12:12 बजते हैं उस समय भारत में समय जो होता है वह 5:30 शाम का होता है। अब हमारा स्टूडेंट प्रश्न संख्या 5 है, महाराष्ट्र के महानतम भक्ति कवि कौन थे? रामदास, एकनाथ, नामदेव या तुकाराम? तो महाराष्ट्र के महानतम भक्ति कवि जो थे उनका नाम था नामदेव। नामदेव। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 5-6 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, एथिल अल्कोहल इनमें से किसका समावयव है, यानी आइसोमर्स है? एसीटोन का, डाइमेथिल ईथर का, डाई एथिल ईथर का या एसिटिलीन का? तो सबसे पहले हम जानते हैं समावयव क्या होते हैं। वैसे
यौगिक जिनका अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो समा व यवी कहलाते हैं। वो एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H6O और इसको हम लोग लिखते हैं C2H5OH। और डाइमेथिल ईथर का भी अणुसूत्र यही होता है, मतलब डाइमेथिल ईथर और एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र समान होता है लेकिन इसके संरचना सूत्र जो हैं भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे आप देखें तो CH3OCH3 ये डाई मेथिल ईथर का संरचना सूत्र होता है, जबकि CH3CH OH CH2OH ये एथिल एल्कोहल का अणुसूत्र होता है। तो हमारा उत्तर होगा डाई मेथिल ईथर। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 7 है, आइजोल कहाँ की राजधानी है, नागालैंड की, मणिपुर की, मिजोरम की या लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप की राजधानी करवती है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जबकि मिजोरम की राजधानी जो है वह है आइजोल। हमारा उत्तर होगा मिजोरम। आंसर क्या होगा? मिजोरम। मिजोरम एक ऐसा राज्य है जिसके कुल क्षेत्रफल का 91% हिस्सा जो है वह जंगलों से घिरा हुआ है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है, सेरिकल्चर, पीसी कल्चर, एपी कल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो पीसी कल्चर जो है मछलियों के पालन का विज्ञान है, एपी कल्चर जो है मधुमक्खियों के पालन का विज्ञान है, हॉर्टिकल्चर जो है जो हम लोग छोटे स्तर पर सब्जियां उगाते हैं उसका विज्ञान है, जबकि सेरिकल्चर का उपयोग रेशम के कीड़ों के पालन के लिए कहा जाता है। हमारा उत्तर होगा सेरिकल्चर। एक नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं, पेट में जीवाणु को कौन सा अम्ल नष्ट करता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H3PO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसा कि स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि पेट हमारे पेट के अमाशय में जो है HCl निकलता है और HCl जो है भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा उत्तर होगा HCl। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4 बनाता है BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ होती है तो बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, योगशील अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो हम देखते हैं यह उभय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 11 है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है, वह दिशा है उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या उत्तर दक्षिण। तो जब हम किसी चुंबक को किसी धागे की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। हमारा उत्तर होगा उत्तर दक्षिण दिशा, उत्तर दक्षिण दिशा। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, संख्या 12, नए राज्य के गठन या उस किसी राज्य के सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है, संसद को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को। तो किसी भी नए राज्य के गठन या उस राज्य के सीमा के परिवर्तन का अधिकार जो है भारतीय संसद को है। हमारा उत्तर होगा संसद, संसद। संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति शामिल होता है।
हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने कहाँ शासन किया, बिदर में, बरार में, गोलकुंडा में या नागपुर में। तो मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद कुतुब शाही वंश ने गोलकुंडा में शासन किया था, गोलकुंडा, कुतुब शाह ने इस वंश की स्थापना की थी। अब हमारा प्रश्न संख्या 14 है, मुद्रा स्फीति की में सबसे अधिक लाभ किसे होता है, ऋणी को, बैंक को, सरकार को, या इनमें से किसी को नहीं। तो मुद्रा स्फीति में सबसे अधिक लाभ जो है ऋणी को होता है, कर्जदार को होता है, और ऋणी को। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 15 है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 का न्यूनतम रूप क्या होगा, एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4, या एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। तो पहले हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर हो जाएगा एक्स एक्स प्लस 4 प्लस 3x प्लस 4 बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 3x प्लस 4। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 का गुणनखंड करते हैं तो बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 बराबर हो जाएगा एक्स एक्स प्लस 5 प्लस 4 एक्स प्लस 5 बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5। अब देखते हैं इसको न्यूनतम रूप में लिखना है, हमारा ये ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से अब देखेंगे इसमें एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 अपॉन हो जाएगा एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 5। अब x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 3 अपॉन x प्लस 5। स्टूडेंट हमारा उत्तर होगा x प्लस 3 x प्लस 5, यही हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट आज हमने आपके समक्ष सामान्य ज्ञान के भाग 78 में 15 प्रश्नों को रखा और बारी बारी से उन प्रश्नों का विश्लेषण किया। अगर स्टूडेंट हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ, हमारे अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें, तब तक के लिए धन्यवाद।